फ्रेंड्स, हेल्दी विजन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और जैसे आपने पहले भी डेमो देखे हैं हमारे प्रोडक्ट्स के, काफ़ी आपको अच्छे लगे और जो आप लोगों के लाइक्स मिल रहे हैं और जो आपने शेयर किया है और जो आपके रिस्पॉन्सेज हैं, जो कमेंट्स हैं, डेफिनेटली वो हमको मोटिवेट करते हैं आपको कुछ नए प्रोडक्ट्स और इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो इसी सीरीज़ में मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ एमवे का हमारा SA8 लिक्विड कॉन्सेंट्रेट लॉन्ड्री डिटर्जेंट, जिसको हम LCLD भी बोलते हैं। और ये मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो केमिकलाइज या हार्मफुल केमिकल वाले जो डिटर्जेंट होते हैं, चाहे वो लिक्विड बेस्ड हो या पाउडर बेस्ड हो, उनसे कैसे बेटर है ये हम आज एक डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से देखते हैं। और मैं आपको आज इसका एक प्री वॉश डेमो दिखाऊंगा और डेमो के साथ ही साथ मैं आपको बहुत सारी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ बातें आपके साथ में शेयर करूँगा। तो आइए मैं आपको डेमोस्ट्रेशन बताता हूँ। मेरे पास एक हैंकी है, रुमाल मैंने लिया है और ये जो रुमाल है, इस रुमाल पे मैं आपको एक कुछ दाग लगाता हूँ पेन के और फिर मैं आपको बताता हूँ। इस देख रहे हैं आप, इस रुमाल के ऊपर मैंने यहाँ पर मैंने लिखा है, मैंने यहाँ पर एक बॉल पेन का यूज़ करते हुए इसके ऊपर मैंने एक निशान बनाया है, कुछ मैंने इसके ऊपर दाग बनाया है। और अब इस दाग को हम SA8 के माध्यम से रिमूव करके देखते हैं। बट फ्रेंड्स, मैं आपको यह वापस फिर से बताना चाह रहा हूँ कि ये खाली दाग निकालने का प्रोडक्ट नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा डिटर्जेंट भी है और पूरा इसमें 6-in-1 फार्मूला बेस्ड है और बायोकेस्ट फार्मूला भी इसमें होता है। तो अभी मैं आपको आगे डिस्कस करते हैं, बट हम इसमें देखते हैं कि इसको स्टेन को कैसे रिमूव करते हैं। तो इसके लिए मेरे पास ये SA8 डिटर्जेंट है और इसकी एक पोर केप होती है, मेज़र केप होती है। इस मेज़र केप में मैंने कुछ डिटर्जेंट लिया और आप देख रहे हैं ये इतना डिटर्जेंट, बट इतना नहीं, इसकी बहुत बहुत मामूली सी मात्रा ही काफ़ी होती है। तो मैं इसमें एक ड्रॉप, यहाँ पर जहाँ मैंने इस पर स्टेन लगाया था, मैं इसके ऊपर एक ड्रॉप लगाता हूँ और मैं इसको स्प्रेड करता हूँ। तो आपने देखा कि मैंने इसके ऊपर एक दो ड्रॉप डालकर और मैंने इसको यहाँ पर स्प्रेड किया और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए ऐसा रख दिया है। अब मैं इसको पानी लूँगा और उस पानी के अंदर भी इसको डीप करके रखूँगा। अब साथ ही हम जो है देखते हैं कि एक दूसरा टेस्ट और करते हैं और उसमें देखते हैं कि मैं यहाँ पर दो जार में थोड़ा थोड़ा पानी ले रहा हूँ और दोनों जार में पानी लेने के बाद में मैं एक जार में मार्केट में मिलने वाला जो भी एक्स ब्रांड का डिटर्जेंट होता है वो हम लेते हैं। ये मैंने इसमें मिलाया और दूसरे जार में मैं थोड़ा सा SA8 डिटर्जेंट ऐड करता हूँ। अब आप देखेंगे मैं इन दोनों को बंद कर देता हूँ और दोनों को मैं शेक करता हूँ। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि जिसमें मैंने SA8 मिलाया था वो पूरा डिसॉल्व हो चुका है और जिसमें मैंने एक मार्केट का एक्स ब्रांड डिटर्जेंट मिलाया था वो आप देख पा रहे हैं। यदि मैं इसके नीचे आपको बताऊंगा तो इसमें नीचे आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर इसके जो हार्ड पार्टिकल्स हैं वो सारे नीचे इसके बेस में आपको दिखेंगे। और आपने देखा होगा मोस्टली कि ये हम इसको सुबह से शाम तक या अगले दिन तक भी पड़े रहने देते हैं, तब भी जो पार्टिकल्स होते हैं ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं। और आप झाग भी देख पा रहे हैं कि इसके अंदर कितना सारा जो है कि इसमें झाग बन चुके हैं और इसके अंदर झाग बिल्कुल नहीं है। तो ये इससे ये पता चलता है कि जब यदि जिसमें भी केमिकल्स होते हैं और बहुत ज़्यादा यदि झाग बनते हैं तो जब आप इसके कपड़ों को वॉश करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है धोने के लिए, लेकिन इसमें आपको पानी की भी बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है।
तो इस तरह से ये आपने देखा कि SA8 पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है और अन्य ब्रांड का जो प्रोडक्ट होता है वो डिसॉल्व नहीं होता है। आप एक चीज़ और जानते हैं कि जो सोप होता है या कास्टिक होता है वो टर्मरिक जो होती है हमारी, उस टर्मरिक के साथ में केमिकल रिएक्शन करता है और अपना कलर को चेंज करता है। तो मैं कुछ टर्मरिक मेरे पास है, मैं टर्मरिक की थोड़ी सी मात्रा SA8 वाला जो जार है इसमें डालता हूँ और कुछ मात्रा में हमारा एक्स ब्रांड का जो डिटर्जेंट है उसके जार में डालता हूँ और मैं दोनों को ग्रेजुअली थोड़ा सा मैं डिसॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड्स अब आप देख पा रहे हैं कि दोनों जार के अंदर जो कलर डिफरेंस है, आप देख रहे हैं कि जिसमें SA8 मैंने मिलाया था वो बिल्कुल क्लीन एकदम पानी के अंदर जैसे हल्दी ही या टर्मरिक ही डिसॉल्व की हुई है, बट आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इसके अंदर पूरा इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो इसमें काफ़ी सारे हार्मफुल केमिकल्स हैं जो हमारे कपड़ों को और हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं और ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा डिटर्जेंट है ये मैंने आपको बताया था 5-in-1 होता है, इसमें क्लीनर होता है, इसमें सॉफ्टनर होता है जो कि आपको अलग से सॉफ्टनर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें प्री वॉश होता है, इसमें स्टेन रिमूवर भी होता है, साथ ही इसमें बहुत अच्छी फ्रेगरेंस होती है और इसमें नील भी मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अर्थात इसमें वाइटनर भी ऐड होता है। अब जो मैंने जिस पर पहले स्टेन लगाया था मैं आपको उसको दिखाता हूँ हल्का सा रब करके। अब आप देखेंगे कि जो मैंने जिसको पानी में गलाया था थोड़ी देर के लिए, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दाग था वो दाग जा चुका है और जो फैब्रिक है वो फैब्रिक भी पूरी तरह से बिल्कुल सॉफ्ट है। तो ये आपने देखा कि कितना, जो जनरली आप जानते हैं कि जो दाग होता है वो दाग को हम इतनी आसानी से नहीं हटा सकते हैं, वो दाग इसने यहाँ से हटा दिया है। और जो SA8 को जब हम यूज़ करने के लिए हम बात करते हैं तो इसको यूज़ करने का एक तरीका होता है कि यदि हम 200 ml पानी में हम इसके 200 ml की इसकी जो पैकिंग आती है उससे हम 20 वॉश कर सकते हैं और जो 500 ml की जो पैकिंग आती है इससे हम 50 वॉशेस कर सकते हैं और जो 1 लीटर की पैकिंग आती है इससे हम 100 वॉश कर बकेट कपड़ों को वॉश कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग प्रयोग और अलग अलग जो अनुभव जो हमें कमेंट्स मिले हैं या जो हमारे यूज़र्स हैं उनके जो हमें रिव्यूज़ मिले हैं उनका ये कहना है कि एक बकेट में 5 ml पानी से भी उन्होंने एक बकेट कपड़े धो लेते हैं और दो बाल्टी पानी उसको सिर्फ उन कपड़ों को धोने में लगता है, जिससे पानी की भी बचत होती है और डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी की भी बचत होती है। और इसलिए हम ये देख सकते हैं कि 1 लीटर की बोतल से 200 वॉश भी हो सकते हैं, अर्थात 200 बकेट कपड़े हम 1 लीटर की SA8 से धो सकते हैं। और 1 लीटर की जो कॉस्ट होती है वो लगभग होती है 800 रुपीज़, तो 800 की कॉस्ट और 200 बकेट की वॉशिंग, और हम इसको लगभग हम जो है कि 1 लीटर की बोतल से 1 ईयर तक वॉशिंग कर सकते हैं। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक और जानकारी देना चाहूँगा कि जो SA8 होता है ये ट्रिपल ई अवार्डेड होता है जो कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने दिया हुआ है। ट्रिपल ई का मतलब होता है इफेक्टिव, इकोनॉमिक और इको फ्रेंडली। ये जो प्रोडक्ट है ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये ह्यूमन डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं और इवन सेंसिटिव स्किन के लिए भी बहुत लाभदायक होते हैं, किसी भी तरह का स्किन को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं और ये हेल्प करते हैं, कलर को फेड नहीं होने देते हैं और कूल और कोल्ड वाटर में वॉशिंग और ऑल टेम्परेचर्स में भी वॉशिंग करने के लिए ये काफ़ी यूज़फुल होता है। तो फ्रेंड्स SA8 को आप यूज़ करें, SA8 लिक्विड कॉन्सेंट्रेट लॉन्ड्री डिटर्जेंट को आप यूज़ करें और आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। चैनल को अगेन सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमें कमेंट्स करें। थैंक यू।